नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉरपोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए इस बुलेटिन में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इक्विटी म्यूचुअल फंड में मई में निवेश जोरदार बढ़त के साथ 34,697 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। ये आंकड़ा इससे पिछले महीने के मुकाबले 83% ज्यादा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एमफी के आंकड़ों के मुताबिक ये इक्विटी फंड में शुद्ध निवेश का लगातार 39वां महीना है। इसके अलावा एसआईपी के जरिए मासिक योगदान बढ़कर मई में 20,904 करोड़ रुपए हो गया, जो कि अप्रैल में 20,371 करोड़ रुपए था। इन योजनाओं में मासिक निवेश लगातार दूसरे महीने 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफपीआईज ने जून के पहले हफ्ते के दौरान शेयर बाजार में भारी बिकवाली की है। इस दौरान एफपीआईज ने नेट 14,800 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। एफपीआईज की यह बिकवाली चुनाव नतीजों के बाद भी हुई। मॉरिशस के साथ भारत की कर संधि में बदलाव और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में लगातार बढ़ोतरी की वजह से विदेशी निवेशकों ने यह बिकवाली की है। इससे पहले मई में एफपीआईज ने 25,586 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी और अप्रैल में 8,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की थी। आंकड़ों के मुताबिक एफपीआईज ने मार्च में 35,098 करोड़ रुपए और फरवरी में 1,539 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया था। भीषण गर्मी और चुनाव की वजह से मांग प्रभावित होने से मई में घरेलू यात्री वाहन खुदरा बिक्री में सालाना आधार पर 1% की गिरावट दर्ज की गई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा की ओर से यह जानकारी सामने आई है। यात्री वाहनों का रजिस्ट्रेशन मई में घटकर 3,03,358 इकाई रह गया, जबकि मई 2023 में यह आंकड़ा 3,35,123 इकाई था। फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा है कि अत्यधिक गर्मी के कारण शोरूम में आने वाले ग्राहकों की संख्या में करीब 18% की गिरावट आई है। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सबसे पहले पीएम सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर किया। पीएम किसान की 17वीं किस्त से 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और इसके तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत साल में 3 बार 2,000 रुपए की किस्तों के जरिए कुल मिलाकर 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। इस योजना के तहत हर 4 महीने में 1 बार पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। रिलायंस पावर ने ऋणदाताओं का सारा बकाया कर्ज चुका दिया है और अब वह एकल आधार पर कर्ज मुक्त कंपनी बन गई है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी पर करीब 800 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज था, जिसे बैंकों को चुका दिया गया है। रिलायंस पावर ने दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच IDBI बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और DBS समेत विभिन्न बैंकों के साथ कर्ज निपटान समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट बैठक में पीएम आवास योजना से जुड़ा बड़ा फैसला लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी है। इसके अलावा पीएम आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले घरों में LPG, टॉयलेट और बिजली का कनेक्शन मिलेगा और इन घरों का निर्माण शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा। इडली, डोसा और खमन बनाने के मिश्रण को सत्तू के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उन पर 18% GST लगाया जाना चाहिए। गुजरात एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी GAAAR ने यह फैसला सुनाया है। गुजरात स्थित किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड ने GST अग्रिम प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ GAAAR से संपर्क किया था। कंपनी ने कहा कि उसके साथ इंस्टेंट आटा मिक्स तैयार भोजन नहीं है और उन्होंने खाना पकाने की कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने फिक्स डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। बैंक की ओर से यह बदलाव 2 करोड़ रुपए से कम की FD की ब्याज दरों में किया गया है। बैंक 7 दिन से 10 साल तक की FD पर सामान्य नागरिकों को 3% से 7.25% तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन को 3.5% से 7.75% तक का ब्याज ऑफर किया जा रहा है। बैंक सामान्य नागरिकों को 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल तक की FD पर 7% ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेवी की तरफ से फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में शामिल किए जाने वाले स्टॉक्स को लेकर सख्ती की जा सकती है। सेवी ने एफएनओ में शेयर को शामिल करने और बनाए रखने के लिए शेयर की पात्रता के नियमों को सख्त बनाने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल 182 स्टॉक में एफएनओ ट्रेड की अनुमति है। 2018 में ये लिस्ट 209 स्टॉक की होती थी। एफएनओ की ट्रेडिंग को हतोत्साहित करने को लेकर सेवी की तरफ से कई बार बयान दिया जा चुका है। केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत गारंटीड पेंशन की व्यवस्था पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एनपीएस के तहत गारंटीड पेंशन के ऑप्शन तलाशने के लिए गठित पैनल की रिपोर्ट में कर्मचारी के अंतिम वेतन के 50% हिस्से के बराबर गारंटीड पेंशन का प्रावधान किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने पिछले साल मार्च में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एनपीएस पर पैनल का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट मई में सौंपी गई है। भारतीय निवेशक और कंपनियां बिना किसी रुकावट के अब विदेशी फंड्स में निवेश कर सकेंगे। हाल ही में रिजर्व बैंक ने ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद विदेशी फंड्स में निवेश का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि ये भी साफ किया गया है कि सिर्फ उन्हीं विदेशी फंड्स में निवेश की अनुमति होगी जिनका कामकाज संबंधित देश का रेगुलेटर के अधीन हो। जिन निवेशकों ने अपने डीमैट या म्यूचुअल फंड खाते में नॉमिनी की डिटेल नहीं दी है, उनको सेवी की तरफ से राहत दी गई है। सेवी ने इस तरह के खातों को फ्रीज नहीं करने का फैसला किया है। पहले इस तरह की आशंका थी कि सेवी उन डीमैट या म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो को फ्रीज करने का फैसला ले सकती है जिनमें नॉमिनी की डिटेल नहीं है। नॉमिनी की डिटेल भरने के लिए सेवी ने 30 जून की डेडलाइन भी तय की थी, लेकिन बाजार से जुड़े भागीदारों के साथ बात करके अब सेवी ने फैसला किया है कि इस तरह के खातों को फ्रीज नहीं किया जाएगा। बड़ी आईटी कंपनियों और एचडीएफसी बैंक के शेयर में बिकवाली के बीच सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को शुरुआती कारोबार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गिरकर बंद हुए। दिन में कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 77,000 अंक के स्तर को पार कर गया था। हालांकि कारोबार के अंत में इंडेक्स बिकवाली के दबाव में आ गया और ये 203.28 अंक टूटकर 76,490.08 अंक पर बंद हुआ। दिन में सेंसेक्स 385.68 अंक उछलकर 77,079.04 अंक की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 30.95 अंक गिरकर 23,259.20 अंक पर बंद हुआ। तो मनी टाइम में ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी नाइन के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।